हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ सोया चिल्ली की 2 कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 2 प्याज ले ली हूँ, मिर्ची, लहसुन और 1 शिमला मिर्च। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास सोयाबीन का बड़ी था और कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने झटपट से सोयाबीन का बड़ी ले ली थी, 1 कटोरी की समथिंग मेरे पास सोयाबीन बड़ी था। बट गाइस, इसका रेसिपी इतना टेस्टी लगा था ना, मैं क्या ही बता दूँ आप लोग को। ना तो तलने का झंझट था ना और कुछ, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बट आप सबको बहुत बहुत कुछ ज़्यादा पसंद होगा। आप देख सकते हैं सभी को मैंने कटिंग कर लिए हैं। इसी मिर्ची को मैंने बराबर बराबर से कटिंग, यहाँ पर मैंने मसाला कट वो लगा लिया है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मेरे को हल्का सा ऑयल करना है, ये देख सकते हैं। अब हल्का सा इसको गर्म होने देंगे 5 से 10 मिनट के बाद। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग अपना मिर्ची लहसुन को, और थोड़ा सा मेरे पर जीरा नहीं था तो मैं यहाँ पर सरसों यूज की हूँ। बट गाइस, इसका टेस्टी क्या ही बता दूँ यार, इतना टेस्टी लगा था ना, बहुत बहुत मज़ा आया था। शाम शाम को खाने में इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ा आता है। ये देख सकते हैं, अब मैं इसको अच्छे से हो गया। अब इसमें डाल दे रही हूँ मैं अपना प्याज, और प्याज को हल्का सा मेरे को गोल्डन ब्राउन होने होने तक उसको भूनना है। ये देख सकते 5 से 10 मिनट के लिए, इसको 5 से 10 मिनट। बट प्लीज़ गाइस, आप सबका सपोर्ट का मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पर ये हो गया है रेडी। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे अपना शिमला मिर्च, जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लिए हैं, ये देख सकते हैं। अब इसको भी मेरे को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। मैं बना रही थी सोया चिल्ली, बट मेरे को तलने में बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा था, सो बिना फ्राई किए मैं सोया चिल्ली की 2 कॉपी बना दी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। इसके बाद इसमें डाल देना हम लोग को अपना मसाला। तो यहाँ पर हल्दी सबसे पहले, इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं धनिया पाउडर, इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, फिर ये देख सकते हैं। इसके बाद मैं छोटे छोटे पीसेस में मेरे पास और कुछ मसाले हैं, जैसे पनीर मसाला मैं इसमें ऐड की थी, गर्म मसाला, धनिया पाउडर और मैगी मसाला, ये देख सकते हैं। ये मैगी मसाला है, बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, मैं आपको क्या ही बता दूँ। आप प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। घर पे झटपट से बन जाता है नाश्ता, कोई भी गेस्ट आए ना झट से बना सकते हैं इसको। इसको हल्का हल्का मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ सभी मसाला को। मैगी मसाला हो गया, ये देख सकते हैं पनीर मसाला, और इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी मसालों को इसमें ऐड करूँगी। और अच्छे से इसको 5 से 10 मिनट के लिए मेरे को अच्छे से भूनना है। सो गाइस, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। ये देख सकते हैं, इस तरीके से इसको 5 से 10 मिनट के लिए मेरे को भूनना है। आप चाहे तो उसको पैक ढक के भी पका सकते हैं 5 मिनट के लिए। इसके बाद ये देख सकते हैं, ये हो गया रेडी। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे अपना सोयाबीन का बड़ी। इतना टेस्टी लगा था ना गाइस, इतना टेस्टी ना कि आप सोया चिल्ली खाना भूल जाओगे, ट्रस्ट में। इतना टेस्टी बना था मेरा ये रेसिपी, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको डाल रही हूँ थोड़ा सा मैं टमाटो केचप, मेरे पास चिल्ली केचप नहीं था तो मैंने नहीं डाली। और यहाँ पर इसको 5 से 10 मिनट के लिए फिर से मेरे को भून लेती हूँ, ये देखिए। इसको अच्छे से मेरे को 5 10 मिनट के लिए और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद ये खाने के लिए हो गया रेडी। और ये देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा रेसिपी कैसा लगा, और प्लीज़ 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 सपोर्ट कर दीजिए। तो मैं 1 प्लेट ले ले रही हूँ यार, मुँह में तो पानी ही आ जा रहा है, मेरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ हल्का फुल्का, तो इसको मैं थोड़ा सा तवे में इसको भून ले रही हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, देख सकते हैं हल्का सा। इसको इस कसूरी मेथी डालने से ना बहुत ज़्यादा लाजवाब फिर टेस्टी आता है। अगर आपके पास धनिया पत्ती नहीं अवेलेबल हो तो आप ये डाल सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, हो गया रेडी। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे अपने प्लेट, इसको खाली में प्लेट में। तो ये देखिए, इस तरीके से हम लोग को प्लेट में अच्छे से इसको निकाल लेना है। यहाँ दिखने में तो क्या ही बता दो, इसका स्मेल पूरा घर में फैल गया था। ये देखिए, हल्का सा इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसा लगता है, ठीक है। और ये देखिए, अब मैं तो चली खाने गई, अब आप लोग भी बना के खाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। थैंक यू, बाय।